नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने देखा इतने सारे लोग डायमंड बने हैं, क्या वो कोर्स खरीद के बने हैं सर? हाँ, इतने सारे लोग क्राउन डायरेक्टर बने हैं, एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपए का चेक उठा रहे हैं, क्या वो 20-20 हजार रुपए का कोर्स खरीद के कमा रहे हैं क्या सर? मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उस दिन इंजन बनो सेशन के अंदर भी ये बात बोली थी। ये जो लोग हैं ना सर मार्केट के अंदर, ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको इनकी पॉलिसी बताता हूं कि इनकी अप्रोच क्या होती है। इन्हें पता होता है कि आप लोगों को सक्सेस नहीं चाहिए। इन लोगों को पहले से पता होता है कि आप लोगों को सक्सेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सक्सेस होने का शौक है बस। आप सक्सेस, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं द्विवेदी जी, संजू द्विवेदी जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन अप्रोच बता रहा हूं कि इन लोगों को पता होता है कि लोगों को सक्सेस चाहिए नहीं, दे डोंट नीड सक्सेस, उन्हें सिर्फ सक्सेस का शौक है। तो ये लोग आपको सक्सेस बेच के निकल लेते हैं, कोर्स नहीं बेच रहे होते ये आपको, ये आपको क्या बेच रहे होते हैं, सक्सेस बेच रहे होते हैं, सक्सेस बेच रहे होते हैं सर। जैसे फेयर एंड लवली कंपनी है ना, फेयर एंड लवली क्या बोलती है, मार्केटिंग प्रोपोगंडा देखो मार्केट में, क्या क्या मार्केटिंग प्रोपोगंडा चल रहे हैं, मार्केटिंग प्रोपोगंडा क्या चल रहे हैं मार्केट में, ब्रायन लारा, अगर आप ब्रायन लारा जैसे दिखते हो तो मेरी क्रीम पोत लो, आप ऋतिक रोशन जैसे दिखने लग जाओगे, मार्केटिंग प्रोपोगंडा। आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं ना, यहां चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है, भ्रम, हम एक भ्रमित जिंदगी जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ भ्रम जाल फैला हुआ है, माया जाल फैला हुआ है, वास्तविकता धुंधली हो चुकी है, वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही है आज की डेट में लोगों को। इतने सारे मार्केटिंग प्रोपोगंडा मार्केट में फैल गए हैं, बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, इतने सारे मार्केटिंग गिमिक्स फैल गए हैं चारों तरफ आपके, जो आपको सफलता बेचते हैं, सफलता बेचते हैं आपको, सफलता, सफलता खरीदी नहीं जा सकती, सफलता खरीदी नहीं जा सकती सर, सफलता बेचते हैं वो आपको। आप बहुत मोटे हैं, इतने मोटे हैं आप, 200 किलो वजन है आपका, मार्केटिंग करने वाला क्या बोलेगा, मेरा चॉकलेट खा ले, और एक हफ्ते के अंदर 60 किलो का हो जाएगा, 200 किलो से 60 किलो का, हमारी ये टेबलेट खा लो सर, रात में आप 200 किलो के हो, सुबह उठोगे 60 किलो के होगे सर। और हम खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्विक सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए हमें सफलता का शॉर्टकट चाहिए, और वो आपको सफलता का शॉर्टकट बेच के निकल जाते हैं, तो उनकी गलती थोड़ी है सर, गलती तो अपनी है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला, देयर इज नो शॉर्टकट, सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, हार्डवर्क, घनघोर हार्डवर्क, ऐसा घनघोर हार्डवर्क कि आपका हार्डवर्क देखकर स्वर्ग में बैठे हुए इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लग जाए, दिस इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस, इसके अलावा और कोई वे नहीं है सक्सेस का। बाकी जितने भी लोग आपको बोलते हैं आसान है, अरे भाई आसान है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क करने वाले के लिए ही आसान है, ठीक है। एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के बीच में, बड़ी फेमस है वो किताब, ध्यान से सोचना क्या बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बुक है, बड़ी फेमस है, द सीक्रेट नाम से है वो बुक, हिंदी वर्जन है रहस्य, पढ़िए आपने, विजुअलाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं आप उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन हम नेटवर्कर्स ने उस किताब को बड़ा मिस इंटरप्रेट किया है। क्या किया है? मिस इंटरप्रेट, उस किताब में जो चीजें भी बताई गई है ना वो एकदम सच है, एकदम सही है, वो किताब लिखने वाले ने एकदम सही किताब लिखी है कि यस विजुअलाइजेशन में बड़ी ताकत है, लेकिन हम में से बहुत सारे नेटवर्कर्स ने उस किताब में बताई हुई बातों को मिस इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो जब किताब में बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन करने से आपके सब कुछ सच हो जाता है, तो हम में से बहुत सारे नेटवर्कर बिस्तर में आराम से लेट जाते हैं, पैर पे टांग पे टांग डाल के लेट जाते हैं और ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देते हैं, ख्याली पुलाव बनाने में और विजुअलाइजेशन करने में जमीन आसमान का अंतर है सर, विजुअलाइजेशन भी उन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है जो हार्डवर्क करते हैं सर,
हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया के अंदर, याद रख लेना सर। सफलता का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हार्डवर्क 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 हार्डवर्क। आपके नेटवर्क में आप देखिए बहुत सारे करोड़पति अचीवर्स होंगे आपकी कंपनी के अंदर में। आपकी कंपनी का जो टॉप लेवल का अचीवर है ना, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, उसके करियर के पहले दिन से आज तक की जर्नी को आप जरा देखिए, जरा पढ़ाई करिए, आपको अपनी कंपनी के टॉप अचीवर की जर्नी में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, शुरू से लेके आज तक, पहले दिन से लेके आज तक एक ही चीज दिखाई देगी, हार्डवर्क 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 हार्डवर्क। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा, सर्दी नहीं देखा, गर्मी नहीं देखा, देखा सिर्फ अपना संकल्प देखा सर, अपना संकल्प देखा, अपना लक्ष्य, अपना गोल देखा। जीवन में एक बात याद रख लेना, संकल्प के लिए काम किया जाता है सर। अगर किसी इंसान ने जीवन में संकल्प ले लिया ना, तो मौत भी उसके पास नहीं आती है। मौत भी अगर उसके सामने आ जाए तो वह इंसान मौत को भी टाल देता है, बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं मर सकता सर, अभी मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा मैंने संकल्प लिया हुआ है, मुझे इस संकल्प को अचीव करना है सर, अभी नहीं मर सकता हूं मैं। मौत भी उसकी टल जाती है उस इंसान की जो संकल्पों के लिए काम करते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस सर, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। तो ये लोग जो है ना, ये आपको सफलता बेचते हैं और आप लोग खरीदते हैं, तो बेचने वाले में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खरीदने वाले में है। हमारे लिए भी बहुत आसान है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऐसा स्पेशलाइज्ड बना देना। इंजन बनो सेशन जो है ना, 12 क्लासेस हैं इंजन बनो की, वो 12 क्लासेस के अंदर जो हम एजुकेशन दे रहे हैं ना, वो ये 20,000 के कोर्स में भी आपको नहीं मिल सकती, गारंटी है मेरी, गारंटी देता हूं, ये 20,000 के कोर्स में भी वो एजुकेशन आप लोगों को नहीं मिल सकती। और जो लोग अटेंड कर रहे हैं इंजन बनो सेशन को लगातार पहले दिन से, वो लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए इस चीज को, अपने जीवन में इस चीज को समझिए, अपने जीवन में इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। सफलता बेचने वाले लोग आपको मार्केट में आज भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे, वो आपको सफलता बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी प्रोपेगेंडा में ना फंसे, आप किसी जाल में ना फंसे, ठीक है। भ्रम से बाहर निकलिए सर, ये जो हमारे चारों तरफ भ्रम फैलाया हुआ है ना कि सफलता बड़ी आसान है, हम लोगों ने सफलता को इतने हल्के में ले लिया है, मजाक बना दिया हम लोगों ने सफलता का। सफलता कोई हलवा नहीं है जो थाली में परोसा हुआ मिल जाएगा, सफल होना आसान नहीं है, थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता है सर। अगर आज आपको थाली में परोसी हुई मिल जाएगी सफलता, तो जितने लोग सफलता के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्या होगा, उनके साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी सर, जिन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करी है, और अगर आपको और हमको आसानी से मिल जाए सफलता, तो क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो गई, उन्हें भी आसानी से मिल जानी चाहिए थी। तो प्रकृति किसी के साथ ज्यादती नहीं करती है सर, प्रकृति सबको बराबर तोलती है, प्रकृति सबको बराबर तोलती है। सफलता कड़े संघर्ष के बाद मिलती है सर, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। मनोहर लाल गोसाई सर हैं, सर बोकारो से हैं, स्वागत है सर आपका। सर मैं जानना चाहता हूं कि लोग कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे आगे बढ़े, माने आपकी टीम के लोग या आप अपनी बात कर रहे हैं सर, मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। अगर आपको आगे बढ़ना है सर, तो आपको लगातार अपने काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाना होगा, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, अपनी इन्विटेशन की स्किल बेहतर करनी होगी सर, बेहतर तरीके से इन्विटेशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी, प्लान देने की स्किल आपको बेहतर करनी होगी सर, बेहतर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको फॉलोअप की स्किल है ना बेहतर करनी होगी सर, बेहतर तरीके से फॉलोअप करने की स्किल आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप स्किल, ठीक है, लोगों को लीड कैसे किया जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये सारी स्किल्स हैं सर, ये काबिलियत और कौशल्य को आपने लगातार बढ़ाना होगा सर, अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और अगर अपनी टीम के लोगों को आपने ग्रोथ करवाना है, तो एक कॉमन सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उनकी एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। आप उनकी लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ आप जाके प्लान दिखा रहे हैं, आप उनके साथ जाके फॉलोअप कर रहे हैं, समझता हूं, मानता हूं, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी टीम के अंदर ये क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, क्लियरली अपनी टीम को एकदम क्लियर करिए कि जो इंसान ट्रेनिंग में नहीं आ रहा होगा, जो इंसान मीटिंग में नहीं आ रहा होगा, जो इंसान लगातार ट्रेनिंग सेशंस में नहीं आएगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, ये ऐसा क्लियर कर दो सर अपनी टीम के अंदर में, ताकि आपकी टीम ट्रेनिंग में आए। आपको अपनी टीम के अंदर ये एक साइलेंट मैसेज डालना होगा कि जो इंसान सीखने को तैयार नहीं है, हम उनके साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात सही भी है,
कि जो इंसान सीखने को तैयार नहीं है उसके साथ में आप कितना भी टाइम दोगे वो आपका भी टाइम किल कर रहा है, अपना भी टाइम किल कर रहा है, जो इंसान सीखने को तैयार नहीं है। तो ये क्लियर कट मैसेज आपको अपने नेटवर्क में डालना चाहिए कि सर जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो हम उनके साथ में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ना उनका टाइम बर्बाद करना चाहते हैं ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। ये क्लियर कट मैसेज आपको अपनी टीम को देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति आपसे सपोर्ट मांगता है, आपसे हेल्प मांगता है, तो आप उनको हेल्प देने के लिए मना मत कीजिए, लेकिन आप हेल्प देने के लिए उनके सामने एक कंडीशन रखिए कि सर आप ट्रेनिंग में आएंगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, आप मीटिंग में आएंगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से आपने एकदम क्लियर कट रहना है, ठीक है, और अपने साथ के लोगों को लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग में आने के लिए मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि माहौल यहीं से बनेगा। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो अभी शायद इंपॉर्टेंस ना समझ रहे हो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स की, लेकिन आप तो समझते हैं ना, तो चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती से अपने साथ के लोगों को मीटिंग और ट्रेनिंग में लाना ये आपका फर्ज है सर। आज अगर आप अपने साथ के लोगों को जबरदस्ती भी मीटिंग और ट्रेनिंग्स में लेकर आएंगे और आने वाले समय में जब वो सक्सेस हो जाएगा तो वो आपको इस बात के लिए थैंक यू बोलेगा कि आपने उसको साथ जबरदस्ती करी, वो इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलेगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि आज नहीं समझ पा रहा है वो लेकिन कल जरूर समझेगा। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने बाई हुक बाई क्रूक हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपकी टीम का आपके साथ का हर सदस्य ट्रेनिंग मीटिंग में हो। जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं, जब आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अपनी टीम के अंदर एजुकेशन डालते हैं तो धीरे 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 आपकी टीम सही डुप्लीकेशन में आ जाती है। यही करना है सर आपने अपनी टीम के साथ में, समझ में आया। चलिए, तो मेरा गला जरा दुख रहा है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना, ज्यादा जोर से मैं अभी बात नहीं करूंगा।